हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरसी जीडीसी वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, आरआरसी ने अब जो है एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जो है आरआरसी के द्वारा कई सारे कैंडिडेट्स को एएलपी की एग्ज़ाम के लिए इन एलिजिबल पाए गए थे, तो वहीं पर जो है कैंडिडेट्स जीडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। आखिर कैसे, मतलब कैंडिडेट्स को इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर दिया गया है, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जीडीसी एग्ज़ाम के साथ साथ जीडीसी की एग्ज़ाम से पहले ही आंसर की और साइको टेस्ट की जो डेट होती है वो भी रेलवे के द्वारा आरआरसी के द्वारा जारी करवा दी गई है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन से आरआरसी के द्वारा अब जो है जीडीसी एग्ज़ाम डेट प्लस उसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट और जीडीसी एग्ज़ाम से पहले ही आंसर की और साइको टेस्ट की डेट जारी की गई। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल के अपडेट्स के लिए और जीडीसी की पल-पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी शाम के 7:44 का वक्त, हमने आरआरसी हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया गया, क्लिक है टू व्यू जीडीसी सीएससी एग्जाम नोटिस, ओपन कर लेते हैं इसे हम। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया, आज 28 तारीख की अपडेट है, 28/6/2024 अभी लेटेस्ट अपडेट है। ओपन कर लिया, नोटिस टू द कैंडिडेट्स फर्दर टू द पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट। देखिए एलिजिबिलिटी लिस्ट इन्होंने 24/6/2024 को जारी की गई थी, इसमें कैंडिडेट्स को जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। देखिए एलिजिबिलिटी फुल लिस्ट जो है 14/6/2024 को जारी की गई थी, लेकिन 24/6/2024 को एक नोटिस जारी किया गया था आपके एग्जाम डेट के रिगार्डिंग और उसके बाद यहाँ पर आपका टाइमिंग वगैरह के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर उसके बाद नोटिस दिया गया कि एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन टू द कैंडिडेट्स टू सबमिट देयर ग्रीवेंस विथ रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी लिस्ट। मतलब कि कैंडिडेट्स को जब 14/6/2024 को एक नोटिस निकाला गया था, उसमें जो है कैंडिडेट्स कई सारे कैंडिडेट्स को जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, एलिजिबिलिटी लिस्ट नहीं, मतलब कि उनको फॉर्म को इन एलिजिबल कर दिया गया था कैंडिडेट्स को। तो उनको ग्रीवेंस देने का एक मौका दिया गया था कि आप एग्ज़ाम से पहले अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं कि आपका जो है आप एलिजिबल हो सके और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। जैसे आपका आई पास नंबर अगर गलत हो गया था तो उसको सही करने का, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर ऐड नहीं था तो उसको ऐड करने का, और आपका नाम वगैरह करेक्शन वगैरह करने का जो भी था आपका, तो ये करने का मौका दिया गया था। फोटो सिग्नेचर का कोई इशू था तो उसकी वजह से इन एलिजिबल कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसको जो है फिर से एलिजिबल कर दिया गया करेक्ट करने के बाद। आगे दे रखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ग्रीवेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स द फॉलोइंग इंक्लूजन चेंजेस मॉडिफिकेशन हैज़ बीन मेड इन द एलिजिबिलिटी लिस्ट। मतलब कि कुछ कैंडिडेट्स के जो है ग्रीवेंस आए जिसमें जो है कुछ ऐड करना था, चेंज करना था या मॉडिफाई करना था, तो उसको जो है अब एलिजिबल लिस्ट में कर दिया गया है। और इसे अगर बात करें तो टोटल 12 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम जो है पहले इन एलिजिबल कर दिया गया था, अब जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट में उसका नाम जोड़ दिया गया है, उनको एग्जाम देने का मौका मिला है। जैसे कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, आई पास नंबर दे रखा है, कैंडिडेट्स का नाम, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, रिमार्क्स कि किस वजह से जो है अब उनका क्या रिमार्क्स दिया गया है कि मतलब अब उनका फॉर्म एलिजिबल कर दिया गया है। तो देखिए देखो, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरीफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई हिम हिज नेम इज़ इंक्लूडेड इन द एलिजिबिलिटी लिस्ट। मतलब कि इनका वेरीफिकेशन वगैरह कर लिया गया, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके करने के बाद अगले कैंडिडेट्स का, इनका जो है आई पास नंबर जो है थोड़ा चेंज था तो इसको जो है सही कर दिया गया, चेंज कर दिया गया आई पास नंबर। पहले हो सकता है कि इनका आई पास नंबर मतलब कि एक जो है डिजिट इधर उधर हो गया हो या गलत हो गया, इस वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। आगे रिक्वेस्ट कंसिडर टू चेंज आई टी आई ट्रेड फॉर पार्ट बी, देखिए पार्ट बी के लिए आई टी आई ट्रेड भी इन्होंने चेंज करवाया है और जो है कम्युनिटी अपनी चेंज करवाई है, इस तरह से भी रिक्वेस्ट की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने अलग अलग रिमार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कंसिडर टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर भी चेंज करने के बाद मतलब कैंडिडेट्स का जो है एलिजिबल किया गया है फॉर्म को। दोस्तों आगे दे रखा है, देखिए द कैंडिडेट्स हु हैव अपियर्ड फॉर सी बी टी एग्जामिनेशन लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर आर सी एच डब्ल्यू आर 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 सी हुबली डॉट इन ऑन 1/7/2024। देखिए 30 जून को आपका एग्जाम होने वाला है और अगले ही दिन 1 जुलाई को आपका जो है आंसर की जारी करवा दी जाएगी। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर देख करके अपना जो है आंसर की का जो है अगर कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो तो रेज कर सकते हो। दोस्तों आगे दे रखा है कि नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन आई टी आई ट्रेड फॉर पार्ट बी एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी एंड अदर डिटेल्स विल बी इंटरटेन। मतलब कि अब ये लिस्ट देखने के बाद यदि कोई कैंडिडेट्स अपना आई टी आई का ट्रेड या पार्ट बी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कुछ चेंज कराना चाहता है या एलिजिबिलिटी लिस्ट में अदर कोई भी डिटेल को चेंज कराना चाहता है तो अब जो है नहीं करवा सकता। दोस्तों उसके बाद ये कंटिन्यू एक नोटिस जो हमने 14/6/2024 को जारी किया गया था आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के द्वारा, तो इसे हमने ओपन कर लिया। देखिए साथ ही साथ जो है आपका आंसर की डेट भी दे दी गई और साथ में जब पिछली बार 14/6/2024 को जो नोटिस दिया गया था आज से 14 दिन पहले, तो उसमें बोल दिया गया था कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सी बी ए टी एग्जामिनेशन मतलब साइको टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स पासिंग इन द फर्स्ट ईयर सी बी टी, मतलब कि आपका 30 जून को जो
ALP का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 1 तारीख को आपकी आंसर की जारी की जाएगी। तो उसके बाद रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो जो है CBET मतलब कि टेंटेटिव मतलब आपका CBET कंपेयर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट साइको टेस्ट टेंटेटिवली शेड्यूल कब किया गया था, 14/7/2024 संडे के दिन, मतलब कि 14 जुलाई को आपका जो है साइको टेस्ट भी ले लिया जाएगा। मतलब काफ़ी फास्ट काम किया जा रहा है RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का ग्रीवेंस बाकी था, तो उन्होंने जो है अपना ग्रीवेंस लगा करके एलिजिबिलिटी लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया। तो इस तरह से अदर RRC वाले कैंडिडेट्स भी, अदर डिवीजन वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।